सुनहरे बालों के साथ जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती थी, पोलियाना 10 साल की बच्ची थी जो कि पूरी दुनिया में खुशियां फैलाना चाहती थी। उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने वालदैन को खो दिया था। कुछ वक्त के लिए तो वो बहुत दूर रही। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी आंटी ने ये जिम्मेदारी ली कि वो पोलियाना को अपने साथ रखेंगी। उसकी आंटी ने बड़ी खुशी के साथ पोलियाना के लिए एक कमरा तैयार किया। उनकी नौकरानी नैंसी इस बारे में बहुत खुश थी। उम्मीद है ये नया मेहमान मिस पोली को खुश करने में कामयाब होगा। जब पोलियाना घर आई तो वो खुशी से रोने लगी। उसने अपनी आंटी को गले लगाया लेकिन आंटी को जरा सा भी प्यार नहीं आया। उसने पोलियाना को उसका कमरा दिखाया। पोलियाना इस बड़े से घर को देखकर बहुत हैरान थी। उसकी आंटी ने उसको कमरा दिखाया और बोला, ये तुम्हारा कमरा है और रात का खाना 6 बजे लगता है, भूलना मत। पोलियाना को अपना कमरा बहुत पसंद आया लेकिन उसके दिल में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी आंटी ने उसे ऊपर इतना छोटा कमरा क्यों दिया है। 6 बजने के फौरन बाद आंटी टेबल पर बैठ गईं, लेकिन पोलियाना अभी तक नहीं आई थी। वो लड़की कहाँ गई? आपका हुक्म हो तो मैं उसे बुला के लाऊं। नहीं। रात के खाने के बाद आंटी पोलियाना के कमरे में गई और देखा कमरा खाली है। वो जल्दी से गार्डनर के पास गई और उसे बताया कि पोलियाना यहाँ नहीं है। गार्डनर ने अपनी उंगली एक पत्थर की तरफ घुमाई और पोलियाना वहाँ खड़ी थी। जल्दी से आंटी पोलियाना के पास गई और उसे घर में ले आई। भले कुछ भी हुआ हो, पोलियाना कभी भी किसी से भी बदतमीजी से पेश नहीं आई। और नैंसी ये देखकर बहुत हैरान हुई। उसने पोलियाना से पूछा कि इसका राज क्या है। खुशी का खेल मेरे बाबा ने सिखाया था जब मैं छोटी थी। एक औरत ने हमें एक चीज भेजी थी। पूछने पर उसने कहा कि ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी और हमें इस बात का एहसास होता रहेगा कि हमें इसके इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं। और इसके बाद से जब भी मैं और मेरे वालिद खुद को दुखी महसूस करते हैं, हम उस दिन के बारे में सोचते हैं। शाम के वक्त पोलियाना अपने कमरे में थी बेड पर और वो रो रही थी। बाबा, बाबा जो परियों के साथ रहते हैं, आप जानते हैं कि मैं एक खेल खेलना चाहती हूँ। अगर आप एक कमरे में अकेले हो और वहाँ अंधेरा हो तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? दूसरे दिन पोलियाना अपनी आंटी के पास गई और उन्हें जोर से गले लगा लिया। आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आज मैं अपने आप को जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। क्या हम इस तरह सुबह बखैर कहते हैं? ये कहते ही आंटी पॉली वहाँ से चली गई। थोड़े दूर से गार्डनर की आंखें भर आईं ये सब देखकर। उसके बाद वो पोलियाना के पास गया और उसने बताया कि वो अपनी अम्मी से बहुत मिलती है। और जब पोलियाना ने अपनी माँ के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुई। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पोलियाना की जिंदगी में थोड़े बदलाव आए। पहले वो अपना नाश्ता करती और उसके फौरन बाद अपना होमवर्क लेकर अपनी आंटी के पास बैठ जाती और खाने के बाद उसके पास 6 बजे तक का वक्त होता था। वो घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आ जाती थी। एक दिन बाजार में पोलियाना ने देखा कि एक बंदा बहुत ही बड़ा कोट पहना हुआ है। पोलियाना ने उस बंदे से दोस्ती करना चाही लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो बंदा आखिर बोल क्या रहा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने वही बंदा दोबारा देखा। उसने एक दफा फिर उससे बात करने की कोशिश की। इस बार उसने भी उससे बात करना शुरू कर दी। नैंसी बहुत हैरान हो गई क्योंकि ये इंसान, मेरा मतलब मिस्टर पेंडलटन, बहुत अमीर इंसान था। वो एक बहुत बड़े घर में अकेला रहता था और आज तक उसने किसी से भी बात नहीं की थी। और उसी दिन पोलियाना अपने साथ एक बहुत ही कमजोर कुत्ते को लेकर आई। मिस पोली ने एक अल्फाज नहीं कहा।
लेकिन उस दिन के अगले दिन पुलियाना एक गरीब आदमी को लेकर आई और मिस पुलिया बहुत गुस्सा हो गई थी। बस पुलियाना, तुमने बहुत सारे काम किए हैं लेकिन अब बस हो गई। अभी तक तो तुम सड़कों पे से बिल्ली और कुत्ते ला रही थी, लेकिन अब तुम भिखारियों को घर पे ला रही हो। मैं भिखारी नहीं हूँ मैडम। ये सुनने के फौरन बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन पुलियाना ये चाहती थी कि वो इसे बचाए। सितंबर के महीने में पुलियाना स्कूल में जाने लगी। पुलियाना को स्कूल पसंद आने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक दिन जब पुलियाना उस आदमी के घर गई तो उसने उसे जाने से मना करा और बोला कि तुम मेरे साथ ही रह लो। पुलियाना का जवाब देना तकरीबन नामुमकिन था। मिस्टर पेंडलटन ने सब कुछ बताया जो कुछ उनके साथ हुआ है। जब मैं जवान था तो मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था, लेकिन वो मुझे नहीं चाहती थी और उसकी तुम्हारे अबू से शादी हो गई। फिर वो ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद से मिस्टर पेंडलटन हमेशा से पूरी दुनिया से खफा रहे। वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने पुलियाना को देखा जो अपनी माँ की तरह दिखती है, तब से उन्होंने पूरी दुनिया से सही तरीके से पेश आना शुरू कर दिया। जब पुलियाना उनके बराबर में रहने लगेगी तो मिस्टर पेंडलटन को जीने का मौका मिल जाएगा। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम मुझे अपना बाप समझो और मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझूंगा। पुलियाना को अपनी आंटी के बारे में याद आया। वो जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और वो अपनी आंटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो मिस्टर पेंडलटन को ये नहीं बता पा रही थी। आखिर में उसके पास एक आइडिया आया। वो चाहती थी कि मिस्टर पेंडलटन जिमी को ले आए, उस बच्चे को जिसको उसकी आंटी ने रहने से मना कर दिया, और इस तरह मिस्टर पेंडलटन और जिमी दोनों खुश हो जाएंगे और पुलियाना दोनों से मिल पाएगी। मिस्टर पेंडलटन ने दोनों को साथ आने को कहा इसी हफ्ते। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद एक हादसा पुलियाना के साथ पेश आया। एक गाड़ी ने पुलियाना को मार दिया। अपनी आंखें खोलने के बाद अगले दिन हॉस्पिटल में पुलियाना अपने आप को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी आंटी को छोड़ दे और उसे अपनी आंटी से मेरी बेटी सुनना बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों बाद पुलियाना ने हॉस्पिटल छोड़ दिया, लेकिन वो अब अपने पैर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जब मिस्टर पेंडलटन पुलियाना के पास आए तो उन्होंने अपनी ऑफर के बारे में मिस पोली को बताया और कैसे उसने वो ऑफर सिर्फ आपकी वजह से मना कर दी। कहानी सुनने के बाद मिस पोली का प्यार उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ पुलियाना को खुश देखने के लिए उसने कुत्ते बिल्लियों को पुलियाना के कमरे में जाने की इजाजत दी। उसने वो सब की इजाजत दी जिससे पुलियाना खुश होती थी। डॉक्टर जो कि शहर से यहाँ पर आया था, पूरे एक हफ्ते बाद पुलियाना का चेकअप करने यहाँ आया और वो एक बुरी खबर सुनाने वाला था। बुरी खबर ये है कि ये लड़की अब कभी चल नहीं पाएगी। नहीं। ये सुनने के बाद मिस पोली रोने लगी और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। अपनी आंटी की आवाज सुनने के बाद पुलियाना जोर जोर से रोने लगी और सारे के सारे लोग उदास हो गए। सब लोगों की आंखों में आंसू थे पुलियाना की वजह से। पुलियाना सबको अपने गेम के बारे में बताने लगी। पुलियाना को खुश करने के लिए मिस्टर पेंडलटन ने जिमी को अडॉप्ट करने का फैसला किया। जब पुलियाना ने खुशखबरी सुनी वो बहुत खुश हुई। वाहिद मिस पोली ही थी जिसको उस गेम के बारे में नहीं पता था। जब उन्होंने नैंसी से बात करी तो उसे सब कुछ पता चल गया। फिर वो जल्दी से पुलियाना के पास गई। ओह, खुशी का खेल, अब वो खेल हम सब साथ खेलेंगे। अरे आंटी, ये खबर तो बहुत ही अच्छी है। दूसरी तरफ मिस्टर पेंडलटन के डॉक्टर को पुलियाना को देखना था, लेकिन एक मसला था।
कई साल पहले मिस पोलियाना के साथ लड़ाई की वजह से उन्होंने अभी तक उनके घर में एक कदम भी नहीं रखा था। आखिर में उन दोनों ने ये फैसला किया कि वो शहर के बाहर पोलियाना का इलाज करवाएंगे। मिस्टर पेंडलटन के डॉक्टर ने पोलियाना को देखा और उन्होंने बोला कि मदद हो सकती है। कुछ महीने गुजर गए, आंटी पॉली के पास एक खत आया। प्यारी आंटी पॉली, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी। काश मैं चल के वापस आ सकती, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हर चीज बहुत खुशी देती है। कहीं कहीं मुझे अपने पैर ना इस्तेमाल होने पर भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कभी भी इस चीज की कदर ना होती। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, आपकी प्यारी पोलियाना।